गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड इज ईवीएस सब्जेक्ट टुडे डेट इज़ नाइनटीन जीरो फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन द डे इज़ वनसडे दियर स्टूडेंट्स टर्न पेज नंबर वन एटी सिक्स एंड लिसन केयरफुली टूडे वी आर लर्न फ्रॉम पार्ट ई सॉरी पार्ट डी आंसर दिस क्वेश्चन दियर स्टूडेंट्स हमने कल की वीडियो में पार्ट सी हमने पढ़ा था आई होप कि आप लोगों ने ई की कॉपी पे अच्छे से लिखा होगा तो डियर स्टूडेंट्स आज हमें क्वेश्चन आंसर करना है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ असेंबली हॉल यूज्ड फॉर असेंबली हॉल जो है वो कहाँ यूज़ होता है कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है और असेंबली हॉल इज़ यूज फॉर मॉर्निंग असेंबली मॉर्निंग की जो सुबह हम प्राइज उठते हैं उसके लिए असेंबली हॉल यूज़ होते हैं समटाइम्स स्कूल फंक्शंस आर ऑल्सो हेल्ड इन असेंबली हॉल कभी कभी हम आ, जो स्कूल में फंक्शंस होते हैं टीचर्स डे फॉर एग्जाम्पल या चिल्ड्रेंस डे स्पोर्ट्स डे फूड फेस्टिवल्स डे ऐसे डेज होते हैं तो उन फंक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन वट डू सुमी एंड दियर फ्रेंड्स डू इन ए आर्ट रूम सुमी और इसकी फ्रेंड जो है आर्ट रूम में क्या करते हैं इसका आंसर है सुमी एंड हार्ट फ्रेंड्स लर्न टू ड्रा एंड पेंट इन द आर्ट रूम दे ऑल्सो लर्न टू मेक क्राफ्ट आइटम्स आउट ऑफ वेस्ट मटीरियल सुमी और इसकी फ्रेंड जो है आर्ट रूम में आ, ड्राइंग सीखते हैं और उसको पेंट करना सीखते हैं और वो लोग जो आ, वेस्ट मटेरियल होता है जो आप एक बार यूज़ करके रखे होते हैं इन चीज़ों को क्राफ्ट आइटम बनाना वो लोग सीखते हैं ठीक है ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट आर द स्पेशल डे सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल आपके स्कूल में कौन कौन से जो स्पेशल डे होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर वी सेलिब्रेट टीचर्स डे चिल्ड्रंस डे टीचर्स डे आएगा ठीक है यहाँ पे टीचर्स डे नहीं लिखा है सॉरी टीचर्स डे वी सेलिब्रेट टीचर्स डे चिल्ड्रन्स डे फ़ूड फेस्टिवल डे इनवामेंटल डे एंड स्पोर्ट्स डे इन आवर स्कूल हम स्कूल में टीचर्स डे इन्वायरमेंटल्स डे स्पोर्ट्स फांस फेस्टिवल्स डे इन्वायरमेंटल्स डे स्पोर्ट्स डे ये सारे डेज हम स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है आ, अब होप कि आप लोगों ने पहले से ही लेसन स्टार्ट करने से पहले से ही आप लोगों ने चैप्टर का नाम और लेसन नंबर लिखा होगा अब आप, आप लोगों को पहले क्वेश्चन लिखना है फिर आंसर लिख के नीट एंड क्लीन लिख के मुझे मेरे नंबर पर सेंड करना है थैंक यू